उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही गुंडाई एवं अपराधों पर रोकथाम के दावे कर रहे हों, अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में भाजपा विधायक के बेटे ने एक व्यक्ति को मामूली विवाद में सरेआम सड़कों पर घुमा घुमा कर पीटा और गला दबाकर तालाब के किनारे फेंक दिया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने जब पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने उन्हें उल्टा धमकाकर भगा दिया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पलिया स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। फिलहाल भाजपा विधायक का कहना है कि शराब पीने से मना करने के फलस्वरूप राजनीति षड्यंत्र बनाकर उनके बेटे के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। मामला जनपद शाहजहांपुर के पुआया थाना क्षेत्र के विधायक चेतराम के आवास थाना सदर बाजार क्षेत्र के चुनाव और गांव में है। यहां के गंगा सागर ने आरोप लगाया है कि विधायक के पुत्र नीरज ने उन्हें मामूली विवाद में बुरी तरह पीटा है, साथ ही उसका गला दबाया और तालाब के किनारे फेंक दिया। वहीं जब इसकी शिकायत लेकर थाना सदर पहुंचे तो वहां उल्टा उसे लौटा दिया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने उनके समर्थन में पलिया स्टेट हाईवे जाम कर दिया और विधायक पुत्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं जब पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पीड़ित को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद लोगों का कहना था कि विधायक पुत्र की गुंडाई चरम पर है, वह लगातार मारपीट एवं वसूली करता है। अभी अवैध जमीन पर कब्जे को लेकर भी उसने फायरिंग की थी। थाना सिधौली की एक महिला दरोगा पर भी मारपीट के आरोप विधायक पुत्र पर लगे हैं। वहीं गुस्साए लोगों ने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह कलेक्ट्रेट एवं पुलिस ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इससे पूर्व विधायक पुत्र के खिलाफ मारपीट एवं गुंडाई के कई आरोप पहले से ही लगते आए हैं। अब देखना यह है कि विधायक पुत्र के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हम लोग मजबूरी पड़ गई, कल शाम 9 बजे घटना है। हमारा भाई चचेरा भाई शंकर, हमारे यहाँ पे दुकाने हैं, कार्यालय है हमारा, और वहाँ बैठे थे दो लोग, हमारे भाई शंकर और भांजा हमारा चंदन, दोनों हमारी दुकान के पास कार्यालय है उसमें बैठे थे। तो विधायक जी का बेटा चेतराम, विधायक पुआ जी का उनका बेटा नीरज और 4-5 लोग और अपने कार्यालय से आए। उनने पूछा तू यहाँ कैसे बैठा, तो उन्होंने कहा हम अपनी दुकानों के पास बैठे। इतने उसने गिरोवान पकड़ के उसे पटकने लगा, मारने लगा, अपने कार्यालय खींच के ले गया। वहाँ पर उसने मारा पीटा, उसके बाद गला दबाया, गला पूरा हमारे चचेरे भाई का निशान है। उसके बाद तालाब में फेंकने की कोशिश करी, उतना फिर बेहोश हो गया, तो हमारे भांजा दौड़ के बचाया देगा, जैसे मतलब खींच लाए, फिर नीरज ने खींच कर वहाँ से लेके अपने घर तक मारते हुए ले गया। तो हम लोग जब तक आए जब तक भाग गया था। हम लोग थाने गए, थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई, तब हम लोगों ने मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। पुलिस ने अभी आश्वासन दिया है कि FIR हम आपके दर्ज करेंगे, बस यही बताया। इससे पहले भी विधायक के बेटे ने कई बार मारपीट घटनाओं को अंजाम दिया। विधायक के बेटे ने अभी 1 साल पहले यहाँ हर्षवर्धन जी बेटे हैं उनके ऊपर फायर कर दिए थे। अभी एक उमा शंकर बेटा है, उनके लड़के को मारा। बहुत ढाबा है सिंधौली में, वहाँ गुंडागर्दी करी, अभी वसूली करी। एक महिला दरोगा जी है, उन्हें उनको मारा है, मतलब चरम पे गुंडा कर दिया। जब से विधायक बने विधायक जी, तब से इनका बेटा आसमान चल रहा है और जमीनों पर अभेद कब्जा कर रहा है, आए दिन गुंडागर्दी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, इससे बड़ा और बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला लेवल पे हो सकता है, हर जिले। झूठा आरोप है, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये बदनाम करने की साजिश है। देखिए, हमारा कार्यालय चिनौर में है, जहाँ पे जाम लोग जनता आती है गाँव क्षेत्र की, हम वहाँ समस्याएं सुनते हैं। उसी के किनारे कार्यालय के बिल्कुल ये दुकानें बनी हैं, तो रोड के किनारे फुटपाथ पे दिन में एक खोखे लग जाते हैं ना, तो खोखों के आड़ में ये गांव के आसपास के जो कुछ तत्व हैं वहां पर आके शराब पीते हैं। वहां माताएं बहनें सब निकलती हैं, मेन रोड है। कल मैंने दिन में 5 बजे एक वहां ठेला लगा था, मैंने कह दिया भैया एक साइड में लगा लो, और यहां पर तुम लगाते हो, भीड़ होती है शाम को, यहां पर आके लोग यहां शराब वराब पीते हैं, कोई ऐसा नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं की, साधारण तरीके से। और उन्होंने गंगा सागर को बताया, गंगा सागर ने शाम को आके वहाँ पर 2 आदमी बैठा दिए, नहीं 5 आदमी, पांच लोग गांव के वहाँ पर, मतलब मेरे कार्यालय और घर के बीच में 50-100 मीटर की दूरी है। हाँ। उनकी दुकानों के बीच में खुलेआम वो शराब पी रहे थे, पांचों लोग बैठ के, ताकि मैं वहाँ से निकलूं। हाँ। अब बात तो हमारे बेटा ने वहाँ मना किया, भैया रोड पे क्यों शराब पी रहे हो, साइड में अंदर बैठ के पी लो। और फिर कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिवस, वैसे ही ये उनको साधारण तरीके से इन्होंने समझा दिया। वो हमारे बेटा पे मारपीट के लिए आमादा हो गया, इनके 2-4 हाथ मार दिए, बचाव में एक आध इन्होंने भी फिर हाथ चलाए, ये अकेले थे, वो 7-8 लोग थे,
तो उसके बाद रात में पूरा राजनीतिक साजिश के तहत पूरे गांव में इन्होंने 10-20 लोग बुला के और मेरे दरवाजे पे आके नारेबाजी करने लगे। मैंने समझा के भेजा, हमने देखो आराम से जाओ, कोई बात नहीं, इस चीज़ को आप बबेला बना रहे हो ना, अगर कोई सही बात कही है बेटा ने कही है तो गलत नहीं कहा। दिन में 4 बजे मैंने भी कहा था कि यहाँ खोखा लगते हैं, रोड गिर जाता है, ये रोड सार्वजनिक है जनता के लिए है, अब आप रोड के ऊपर खोखा लगा के वहाँ पर आप शराब पिलाते हो, ये गलत बात है, ये असामाजिक है, जनता के हित में नहीं है, कोई मैंने गलत काम नहीं किया, एक अच्छी बात कही और उसको इन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये एक तमाशा कर रहे हैं, रोड जाम करना ये वो, कोई इसमें सच्चाई नहीं है, ये बिना मतलब में एक हमको बदनाम करने की एक गलत साजिश है। और रात में भी आने के बाद पूरी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें वो आ रहे हैं, हाँ। उनके पीछे जो उनके लड़के हैं अड्डे लेके दौड़ रहे हैं, अड्डे लेके दौड़ रहे हैं। अखंड भारत न्यूज के लिए अनुरुद्ध मिश्रा की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।